हेलो गाइस, मैं अभी एक लेकर आया हूँ। ये लेवल ट्रांसमीटर है, EIP का रडार लेवल ट्रांसमीटर है, EIP मायरो कंट्रोल। इसका जो सीरीज है वो है आपका, इसका जो सीरीज है वो सीरीज है आपको, इसका नाम है EIP कॉम्पैक्ट रेड, सीरीज है CW58। आइए मैं इसका कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये ओके बटन है, ये एडजस्ट करने वाला बटन है, ये और ये एडजस्ट करने वाला बटन है, ये बैक बटन है, जिसे तो बोले तो बैक। अभी मैं इसका मेन्यू को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये अभी मैं मेन्यू को एक बार क्लिक किया तो बेसिक सेटिंग आया। एक्चुअली गाइस, बेसिक सेटिंग में हम लोग को इसका क्लिक करने के बाद मिनिमम एडजस्टमेंट देना पड़ता है। मिनिमम एडजस्टमेंट बोले तो मिनिमम एडजस्टमेंट मतलब हुआ कि आपको कितना मीटर का टोटल इसका वेसल का जो लेंथ है वो एडजस्ट करना है, मैक्सिमम लेंथ। तो देखिए, हमारा जो ये कोल बंकर पे लगा हुआ है, तो हमारा कोल बंकर का हाइट जो है वो 7 मीटर है, तो हमने इसको 7 मीटर डाल के रखा है मिनिमम एडजस्टमेंट में। ये मिनिमम एडजस्टमेंट में जाने के लिए आपको ओके का बटन एक बार दबाना पड़ेगा, तो ऊपर का परसेंटेज में आप आएंगे। ये परसेंटेज ट्रिम करने के टाइम में जरूरत पड़ेगा आपको। अभी चूंकि ये मैं नया इंस्टॉल किया हूँ तो मैं इसको 0 में रखा हूँ। उसके बाद से वापस इसको क्लिक करना करिएगा, डबल क्लिक, तो नीचे का मीटर एडजस्टमेंट जाएगा और ये बटन आपको क्रशर को मूव करने का काम करेगा, जिसके आप चेंज कर सकते हो। वापस से हम लोग को ये बैक बटन दबाना पड़ेगा मेनू को स्क्रॉल करने के लिए। इस बटन से मेनू को स्क्रॉल करेंगे। अभी मिनिमम एडजस्टमेंट में है। अभी ये देखिए, हम लोग इसको ओके से मैक्सिमम एडजस्टमेंट पे, सॉरी, अभी हम लोग इस बटन से इसको स्क्रॉल करेंगे तो मैक्सिमम एडजस्टमेंट आया। मैक्सिमम एडजस्टमेंट 0 से 100% के बीच में रहता है, तो हमने मैक्सिमम को 100% में रखा हुआ है। अभी 100% है तो इसको हम लोग जो 0.5 डाल के रखा है, क्योंकि ये जो ट्रांसमीटर है इसका जो कोन है, कोन जिसको हॉर्न बोलते हैं, वो 0.5 है, जिसको डेड जोन माना जाता है, डेड जोन माना जाता है, उसको कंसीडर में नहीं लिया जाता है। तो उसका जो लेंथ है अप टू फ्लैंज टू नीचे हॉर्न का लेंथ है 0.5500, मतलब 0.5 मीटर है, तो हमने यहाँ पे पुट करके रखा हुआ है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं मीडियम पे, कौन सा मीडियम लेना है। तो चूंकि ये कोल बंकर है तो हमने यहाँ पे इसको सॉलिड डाल के रखा हुआ है। अभी डैम्पिंग 6 सेकेंड है, चूंकि डैम्पिंग हमारा फ्लोटिंग को एडजस्ट करने के लिए काम करता है। हो सकता है अंदर में ट्रांसमीटर जब रीडिंग ले रहा हो तो उस टाइम में कोल इसके अंदर जा रहा हो, तो इसके जो वेव है, वेव जो है रडार वेव, वो डिफ्लेक्ट होते रहते हैं, तो वो एक्चुअल जाकर और रिसीव करने में, जो एंटीना को रिसीव करवाता है, इसके अंदर एंटीना होता है जो रडार को रिसीव करता है, तो उसका स्मूथ ट्रांजिशन के लिए वो डैम्पिंग डालते हैं। नेक्स्ट है मैपिंग कर्व, जो होगा वो लीनियर होगा। मैपिंग कर्व लीनियर सेलेक्ट है, स्केल यूनिट हाइट में है, मीटर सेलेक्ट है, स्केलिंग 0 से 100 में इसको हम लोग ने डिफॉल्ट रखा हुआ है। रेंज जो है 30 मीटर है, क्योंकि रेंज जो है हमारा 30 मीटर नहीं रहेगा, रेंज का भी जो हमारा लिमिटेशन है वो हमारा चेंज करना पड़ेगा, तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग गाइस इसको, और यहाँ पे देखिए हमने रेंज चेंज कर रहे हैं, रेंज हो गया हमारा 7 मीटर रेंज में डाल दूंगा इसमें। रेंज 7 मीटर डाल दिया। इसके बाद नियर ब्लैंकिंग, जो मैं बता रहा था आप लोग को कि जो हॉर्न का जो लेंथ है वो नियर ब्लैंकिंग के समय कंसीडर होता है, उतना तक ट्रांसमीटर का बिहेवियर नहीं माना जाता है। ये टैग नेम है, जो भी आप डाल सकते हो। अभी इसको वापस हम लोग पीछे जाएंगे गाइस, और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये कैलिब्रेशन डन हो गया। थैंक यू, प्ले लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।